दोस्तों, क्या आपने कभी कोका कोला के बोतल के ढक्कन को पीले रंग का देखा है? बहुत ही कम दोस्तों, पर ऐसा होता है। आइए जानते हैं। कोका कोला कंपनी साल में एक बार बोतल के ढक्कन को पीले रंग का बनाती है। दोस्तों, सिर्फ ढक्कन पीले रंग का ही नहीं, बल्कि इसमें भरी जाने वाली कोक भी लाल रंग के ढक्कन में भरे जाने वाली कोक से अलग होती है। इसे दोस्तों कोसर कोक कहा जाता है। आखिर ये कोसर कोक है क्या, आइए ये भी जान लेते हैं। इसका सीधा कनेक्शन यहूदियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल बसंत के महीने में यहूदियों का त्यौहार, जिसे पासओवर कहा जाता है, इस त्यौहार में यहूदी स्पेशल डाइट या कहें एक तरह का उपवास करते हैं। इस दौरान उन्हें गेहूं, राई, जौ, मक्का, चावल और बीन्स खाना मना होता है। हम यह तो जानते ही हैं कि कोका कोला में कॉर्न सिरप होता है, इसलिए यहूदी लोग इसे पीने से बचते हैं। इसलिए साल में एक बार कोका कोला कंपनी अपनी बोतल में पीले रंग के ढक्कन का उपयोग करती है, जिसमें कॉर्न सिरप की जगह चीनी मिलाई जाती है। दोस्तों, इसे ही कोसर कोक कहा जाता है। और यहूदियों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, इस कारण इसकी मार्केटिंग पीले ढक्कन लगाकर की जाती है, ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फैक्ट, नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और भी अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।